धमकी और अंजाम। काली हिरण को मारकर यकीनन सलमान खान ने गुनाह किया। फिर बिश्नोई समाज की तरफ से उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन जब सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो उनको धमकी दी गई। इस धमकी को भी सीरियस नहीं लिया गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि सलमान खान की करीबियों को मौत की घाट उतारने का सिलसिला चालू हो गया। और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सलमान खान की जान पर अब खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। हालांकि सलमान खान को एक और मौका दिया गया है और उनसे कहा गया है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। लेकिन सलमान खान भी अपने ईगो के आगे बेबस है और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने माफी मांग ली तो उन पर जो काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा है वो भी प्रूफ हो जाएगा, और शायद यही वजह है कि वो माफी नहीं मांगना चाहते। खैर, कुछ भी हो, लेकिन सलमान खान है तो हमारे देश के सुपरस्टार ही। अगर कहीं सच में उनके साथ कोई कैजुअल्टी हो गई तो दुनिया भर में हमारे देश के बारे में कहा जाने लगेगा कि वो देश बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जहां एक सुपरस्टार ही सेफ नहीं है तो वहां आम लोगों की सुरक्षा की क्या ही बात की जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से सलमान खान की सिक्योरिटी का बहुत ही तंगड़ा बंदोबस्त किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो जानकारी के मुताबिक सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और बैंड स्टैंड के पास 50 से 60 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। ये सभी साधारण कपड़ों में वहाँ मौजूद रहेंगे। ये सभी सलमान खान के घर के आसपास हो रही संदिग्ध घटनाओं को और हलचल पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इसके अलावा मुंबई पुलिस को AI वाले हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किए हुए हैं। इन कैमरा में फेस रिकॉग्निशन फीचर है, जिसका मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग में आए शख्स का चेहरा पहचाना जा सकता है। अगर किसी का भी चेहरा इस कैमरे में 3 बार कैद होता है तो ये अलर्ट भेजेगा, इसको पता चलेगा कि कौन सलमान खान के घर के आसपास रेकी कर रहा है। ऐसे में मौके पर पुलिस तैनात शख्स की जाँच करेगी और कुछ भी संदिग्ध गतिविधि देखते हुए उसे पकड़ भी लेगी। ये कैमरा भी 24 घंटे काम करेगा। आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर की लोकेशन अब किसी पुलिस के बैरक जैसी दिखती है। बिल्डिंग के बाहर 4 लोकेशन पर अलग अलग चौकियां बना दी गई हैं। एक बिल्डिंग के अंदर भी है, पुलिस वाले एम्फीथिएटर में तैनात किए गए हैं। साथ ही गेट की कुछ मीटर की दूरी पर और गेट के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहां आराम से 6 यूनिफॉर्म वाले पुलिस अफसर और लेडी पुलिस तैनात है। इसके अलावा एक पुलिस वैन और 2 पुलिस की जीप बांद्रा पुलिस प्रोटेक्शन बांद्रा और कमांड सेक्टर को भी रिपोर्ट कर रही है। बिल्डिंग में आने वाले हर शख्स का रिकॉर्ड भी बनाकर रखा जा रहा है। सभी के दस्तावेज चेक हो रहे हैं। किसी भी बाहर के शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस को इकट्ठा होने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। सलमान खान को सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी में सिक्योरिटी कवर दिया गया है, जिसमें से 8 से 10 पुलिस वाले शामिल रहे। इनमें से 4 से 5 पुलिस वाले ट्रेंड कमांडो हैं, उनके साथ एक ऑफिसर और अन्य पुलिसकर्मी हैं। कुछ पुलिस वाले सलमान खान के साथ उनकी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, साथ ही अन्य पुलिस की गाड़ी में सलमान खान की गाड़ी के साथ रहते हैं। जब सलमान खान किसी दूसरे शहर में काम के लिए जाते हैं तो उस जगह भी पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी दी जाती है। पुलिस जाकर वेन्यू को सिक्योर करती है, साथ ही उस शहर की पुलिस भी एक्टर के शहर छोड़ने तक उसके साथ उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। वहीं जब सलमान खान घर पर होते हैं तो यही Y+ सिक्योरिटी की टीम पुलिस वाले उनके घर के गेट एंट्री और एग्जिट पर पहरा देते हैं। खैर, अब इन सारी बातों से ये तो तय हो चला है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई क्या किसी भी बड़े से बड़े खलीफा के लिए सलमान खान तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो सलमान खान के दुश्मन उनको मारने का इरादा अपने ख्याल से निकाल ही दे तो ज़्यादा अच्छा है।